अष्टम हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान टॉपिक है, तो इसकी ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में हमने जो डाटा दिया है उसको देखते हैं कि क्या डाटा दिया है ना, उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है उसको समझते हैं। मोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू टेक द ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल्स जी मैट एग्जामिनेशन। ये जी मैट एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है बिजनेस स्कूल के एडमिशन के लिए। तो स्कोर्स ऑन जी मैट्स आर रफली नॉर्मली, यहाँ पे बताएगा कि वो जो स्कोर है उसका वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है, ठीक है। और उसमें आपको क्या गिवन है, एक उसका मेन गिवन है और एक उसका स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है। ये दो चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमें ये पता हो तो बाकी काम हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। अच्छा यहाँ पे देखिए जरा, ये जो हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, इस डायग्राम को ये शेप में आ रही बेल शेप में, ये बेसिकली हमारे पास होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी ये जो दरमियान वाली लाइन कलर चेंज करते हैं, ये जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के यहाँ पे म्यू एग्जिस्ट करता है। म्यू हमारे पास बेसिकली मीन, और जो हमारा सिग्मा होता है वो भी इस लाइन के ऊपर होता है, और इस लाइन पे जो जेड है वो इक्वल टू 0 होता है। अब ये जेड क्या होता है, जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। हमारे पास जो डेटा गिवन होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड जो जेड वेरिएबल है उसमें नहीं होता, वो सिंपल एक्स में होता है। बाज़ का तो जेड वेरिएबल में भी गिवन होता है, क्योंकि उसको नॉर्मलाइज्ड किया हुआ है। अगर वो नहीं किया हो तो फिर हमें करना पड़ता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पे क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोरिंग अबव 500। तो हमने अबव 500 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिया गया था, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक्स ग्रेटर देन 500, जी हमें फाइंड करना है ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया जो हमने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोरिंग अबव 500, यहाँ से ही आया। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा गिवन था, ये म्यू हमारे पास एवरेज उसकी मीन और सिग्मा उसका स्टैंडर्ड, ये दो वैल्यू हमें गिवन थी, तीसरी ये वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब इसमें देखिए इसको इक्वल टू लिखा हुआ है जेड ग्रेटर देन इक्वल, ये कहाँ से आया, जैसे मैं बात कर रहा था हमारे पास जो गिवन होता है ये वाला, ये नॉर्मलाइज्ड जो है स्टैंडर्डाइज्ड डाटा में होती है, एक्स में गिवन होता है, तो हम उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसको जेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे उसको जेड में चेंज किया, और जेड में चेंज करने का जो फॉर्मूला अभी मैं बता रहा था आपको क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू 527 है, वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू 112 है, वो डिवाइजर में आ जाएगी यहाँ पे, और एक्स ये एक्स कहाँ से आएगा, तो बेसिकली ये जो वैल्यू इसको हम एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ना ये वाला जो कैलकुलेशन वो ही याद करो। अच्छा यहाँ से ये सारा कैलकुलेट होने के बाद इसको माइनस 0.24 ये लिख दिया ये। अब अगर हम इसको ये जो ग्राफ बना हुआ है उसके ऊपर लोकेट कर लें तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। वो कैसे, ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ही एक्स एक्सिस बन गया,
और ये एक ऐसे करके ये बेल शेप में जो बन गया ये हमारे पास रेसोल्यूशन बन गया। अच्छा, अब इस रेसोल्यूशन में हमने गिवन क्या था, म्यू उसका 527 है। तो हम बात कर रहे थे कि ये दरमियान वाली बिल्कुल मिडिल लाइन होती है, उसके ऊपर आपका म्यू आता है, देखो 527 वाला दरमियान में लिखा हुआ। अच्छा, अब जो दूसरा हमें फाइंड करना था यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोरिंग 500। तो यहाँ पे देखिए, अगर 527 इधर है तो 500 डेफिनेटली उसके बैक पे होगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि फर्जी थी, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखे, उसको 500 का नाम दे दिया। अच्छा, अब हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 500। तो देखिए, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 527 है, तो इसका मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो हम एक्स ग्रेटर देन 500 की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है हमें ये फाइंड करिए, सारा पार्ट, ठीक है, ये हमें फाइंड करना। और इसको फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ये सारा पार्ट मैंने ब्लू किया, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये इसको रेड कलर भी दिखाई, ये जो रेड लाइन होती है ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास गिवन डाटा था उसको हमने नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ नीचे देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई, ये एक्स वाली लाइन थी, तो ये जेड नॉर्मलाइज वेरिएबल आ गई। तो जहाँ पे ये दरमियान में म्यू होता है उसके बिल्कुल देखिए नीचे जीरो लिखा, तो ये जेड वाले टेबल में दरमियान में जीरो होता है, जैसे नॉर्मल एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 500 के कॉरस्पॉन्डिंग हम ये फाइंड कर देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 500 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू आएगी -0.24। अब हमने क्योंकि यहाँ से ये सारा एरिया फाइंड करना है, तो जो मेन बात है समझने वाली, अब वो समझिए, ये जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये 1 होता है, ठीक है। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टोटल एरिया 1 है तो इसका मतलब है कि ये जो ये वाली साइड है ये 0.5 हो जाएगी, ये सारा ये वाला। सिमिलरली जो ये वाला साइड है ये वाला ये भी 0.5 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो अब हमने तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन -0.24। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.24 से लेकर जेड, पहले वो जाएगा 0 तक, उसके बाद प्लस हो जाएगा उसमें प्रोबेबिलिटी लो लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल और माइनस प्लस इनफिनिटी। दो हिस्से हमने उसके बना लिए। ये बात एक बार मैं दोबारा लिख के बताता हूँ, दोबारा समझा। आपने क्या किया, एक्स ग्रेटर देन 500 था, उसको जब आपने चेक किया इन टर्म्स ऑफ द नॉर्मलाइज्ड वेरिएबल वो ये बन गया। तो यहाँ पे जो -0.24 है उसको हमने जब फिगर के ऊपर लोकेट किया तो हमारे पास ये आ गया कि ये जो 0.24 है इससे हमें इस डायरेक्शन में यहाँ तक आना। तो हम क्या करेंगे, इसके दो हिस्से बना लिए, -0.24 से 0 तक और फिर 0 से हम बढ़ा दिए इन्फिनिटी तक। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.24 लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा ये वाला। इसमें आपने प्लस कर देना दूसरी प्रॉब्लम को, जो जीरो से लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इस केस में जो ये जीरो से इंफिनिटी है, तो ये वाला इतना एक्स्ट्रा, ये जो आप ब्लू करें इसके बारे में, बेसिकली आधा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आधे की वैल्यू 0.5 है, पूरे की वैल्यू 1 है, तो आधे की हाफ हो जाएगी तो 0.5। तो इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो जो दूसरा वाला वो तो 0.5 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा।
तो नॉर्मली ये टेबल बुक्स में गिवन होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में उनको ये टेबल देना पड़ता है, ये कंपल्सरी होता है टेबल देना ताकि स्टूडेंट फाइंड करे। अब आपने इसको फाइंड कैसे करना है, आप जीरो से इस साइड पे चले, इस साइड से जीरो पे आ जाइए, बेसिकली टोटल एरिया ना सेम ही होता है। मैं इसको रेड में शो करता हूँ, ये वाला एरिया जो है ये बेसिकली ये, अब हम ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल देखेंगे, टेबल आपने कैसे देखना है, ये जो 0.24 है ना, आपने क्या करना है 0.24 को आपने की लाइन में देखना है। उसके लिए मैं इसको स्टॉप करके हूँ, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, और टेबल शायद जैसे हमारे पास थी -0.24, तो इस माइनस को छोड़ दें, आपके पास रहेगा 0.2। तो आपने यहाँ पे देखते हैं इस साइड पर 0.2 दूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। और इधर से आपने ढूंढना है ये, इसको मैं देखूँ तो ये 0.04, बाद में इसको खाली छोड़ भी निकालते तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाती है। आपने क्या करना है, इधर से इधर आ जाना और ऊपर से नीचे आना, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे ना जी, तो ये हमारी ना रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है, 0.09, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको वहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वापस आते हैं अपनी पुरानी स्क्रीन पे, ये देखिए इसमें इन्होंने जो किया वो थोड़ा सा डायरेक्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ये आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपने ना इसके दो हिस्से बना लिए थे, एक अपना आया था फिर बिल्कुल -0.24 लेस देन इक्वल सेट लेस देन इक्वल 0 प्लस, तो बिल्कुल ऑफ 0 लेस देन इक्वल सेट लेस देन इक्वल इनफिनिटी, तो इसका आंसर आपके पास 0.5 था, क्योंकि आधा और इसका भी आपने ढूंढना था 0.09। आप जब इनको ऐड कर लेंगे ना तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाद का तो ऐसा होता है, आपको जो जैसे इसकी दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, ये देखिए इसमें आपके पास इसमें आपके पास म्यू गिवन 266, सिग्मा गिवन 16, और साथ में जो आपको कहते हैं व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज विल लास्ट बिटवीन 240 एंड 272, तो आपको ना बेसिकली दो वैल्यूज गिवन है और उसमें क्या कहते हैं बिटवीन 240 एंड 270, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है, तो आपको आइडिया आ गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा इसमें देखिए बिटवीन का देखा तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी को लिखा है बिटवीन 240 एंड 270, तो यहाँ पे जब 240 को यहाँ पे लगाया हुआ है जेड की जगह, वो जो फॉर्मूला था जेड का नॉर्मलाइज वेरिएबल नाम के जेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब आपके पास एक्स 240 था तो यहाँ पे देखें 240 लगाया तो उसको सिंपलीफाई करके जेड की वैल्यू आ गई, और जब 270 ये वाला लगाया तो उसमें सिंपलीफाई किया तो ये वैल्यू है, तो ये एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फाइंड करते हैं, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ से देखिए चेंज होकर एक्स से जेड में आ गई। अब इसको जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बना रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहे हैं कि आपके पास ये एरिया है,
जो रेड भी शो है। तो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि वो जब भी हमें एरिया देगा वो 0 से ऑनवर्ड आगे देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये 0 से इस तरफ आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.25 में देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा जब आप टेबल में 0.02 को 0.05 में देखेंगे। जैसे भी मैं सेव में था, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये जो 0.2 है इसको आपने 5 में देखना, ये है 5.0। देखिए 0 को जब आपने 0.5 में देखा तो ये 0.987 जी आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये 0 को, तो ये ऊपर से 0.5 आ गया, आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया, ये 9.7। अच्छा तो ये तो ये वाला हो गया। अब ये वाला फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो एरिया बेसिकली वो तो सेम होता है, इसको जब हम ये जो -0.63 से 0 को देखेंगे सब उलट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखने की बजाय आप इसको जितना ये 0 से इस साइड पे है ना, आप फर्ज कर लेंगे 0 से इतना ही इस साइड पे है, ये नहीं, ये फर्ज करना। तो ये यहाँ पे देखो पॉइंट आ जाएगा 1.64 आ जाएगा। तो आपने क्या कर सकते हैं, आपने 1.6 को बेसिकली 3 में देखी, तो दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर लेंगे, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो टेबल यूज किया है वो डिफरेंट है, तो ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए मैं आपको लेटर लेटर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने जब इसका दो हिस्से बनाने आप लिखेंगे कैसे इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1.63 से 0 तक, और फिर 0 से ओवर इसके 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.63 इसके आपने ना। अब जो ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको टेबल से देखा होता है, और इसको आप ये कहते हैं 1.6 को 3 में देखने के सीधे, तो दोनों को आप ऐड जब कर लेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को भी इस्तेमाल कर लेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी इसी टाइप के, देखिए म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, तो आपने व्हाट प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस एंड बिटवीन करा, तो आपने ये निकाल लिया बिटवीन 2 25 100 और 4 200, तो 25 100 को यूज करके सिग्मा जेड इक्वल्स एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का फॉर्मूला यूज किया, तो ये दोनों जेड की वैल्यूज आ गई, तो ये जेड भी सीधा पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों की दोनों एक ही साइड पे आ गई, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया ये वाला एरिया ये हम फाइंड कर लेते हैं, और उसमें से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब वो आपने कैसे करना है, जैसे यहाँ पे देखें ये आ जाएगा आपको लिखेगा माइनस इनफिनिटी से, ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया, ठीक है। तो -25 यहाँ तक,
फिर माइनस हो जाएगा ये वाला एरिया, तो फिर इजीली आप उसको फाइंड कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है 1.3 ये वाला एरिया, और साथ में माइनस कर दिया ये वाला। लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, मैं उलट लिखता हूँ क्योंकि मैं दूसरा टेबल यूज करना। आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एरिया से आप देखिए माइनस 0.0। आप क्या करोगे, इसको अलग से फाइनल कर लोगे, इसको अलग से फाइनल कर लोगे। यहाँ पर देखो दोनों एक साइड पे हैं, तो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला एरिया बड़ा बन जाता है, इस एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देगा। अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.440 में देखना पड़ेगा। तो देखते हैं 2.440 में, नीचे से 2.440 में देखेंगे 0.4918 आ जाएगा, 0.4918 यहाँ पे। और ये थोड़ा सा ना दूसरा टेबल यूज की थी, वैल्यू डिफरेंट आना है, ठीक है। 0.4918 0.2 आपने 0 में देखा, 0.24 को 0 में, 2.440 में देखा, तो ये वैल्यू, तो यहाँ पर ये डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट आएगी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आप 0.123 में देखना दोबारा को टेबल देखना, 0.123 में देखना, तो आपको बस ये वैल्यू वाली आ रही है 0.0517। इन दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पे ऐड करना है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बड़ी वाली वैल्यू में से ये छोटा वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके आपके पास कमी कुछ यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो टेबल ये डायग्राम बना लेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे मैं अभी बात कर रहा था, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो जब भी हमें एरिया देते हैं ना, वो 0 से ऑनवर्ड देते हैं। आप 0 से स्टार्ट करके आगे जाएंगे, नेगेटिव में नहीं देता। अगर नेगेटिव में कोई पार्ट आ जाता है, तो आप उसको पॉजिटिव में शिफ्ट करके, कि जितना एरिया नेगेटिव साइड पे होगा उतना ही पॉजिटिव साइड पे होगा। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को फाइंड करते हैं, नेगेटिव वाले को रहने देते हैं। तो इस तरीके से ना आसानी से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर सकते हैं।